दोस्तों हो रहा है यहीं पे अपना गाड़ी क्लीन। तो यहाँ पे इंजन ऑयल चेंज हुआ था दोनों गाड़ियों का, बाकी यहाँ पे ये क्लीन कर रहा है। तो मैडम बस एक शहद ली है और ये काजू ली है और बैटरी, बस यही जो मैं मुर्गी उठा के लेके चला आया था। तो इतनी खरीदारी करने आई थी, उससे ज़्यादा मैं ही ले लिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो अभी सुबह का बोल लो या फिर दोपहर का, 11:27 हो रहा है और वो हॉस्पिटल वाली मैडम 11:30 बुलाई थी अपने मायके में, यही अलबादिया में। तो 11:30 तो नहीं जाऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ इधर ही से जाके उधर होटल में जाऊँगा, होटल से सब्जी ले लूँगा, फिर उसके बाद उसके मायके में जाके खड़ा हो जाऊँगा 11:40 तक। मुझे मालूम है कि वो 10-15 मिनट लेट ही आएगी। और बाकी अभी अभी वो बैंक वाली मैडम फ़ोन की थी कि उसके बच्चों को जाके मदरसे से लेके आओ। मैं बोला किधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ? तो बोलिए कि रुको, मैं अभी माँ से पूछ के बताती हूँ। तो देखो माँ से पूछ के क्या बताती है, तब तक हम निकलते हैं इधर अलवादिया की तरफ। अपना सब्जी वगैरह लेके गाड़ी में रख लेता हूँ और इन लोगों का ड्यूटी जैसे ख़त्म होगा आके रूम पे खा लेंगे। नहीं तो फिर ड्यूटी ख़त्म होगा उसके बाद, नहीं तो फिर ड्यूटी ख़त्म होगा उसके बाद फिर अलबादिया में जाओ, खरीद के लेके आओ, 10-20 मिनट उसमें बर्बाद हो जाता है। तो देखो एसी से अच्छा ये कूलर है। अगर मैं यहाँ पे रहता हमेशा के लिए तो यही खरीद लेता मैं, 250-250 रियाल का मिल जाता है नया। और एसी से अच्छा है, एसी तो इतना आवाज़ करता है, वो ना कोई आवाज़ भी कर रहा है, एकदम ठंडा। रात को एक बाल्टी पानी डालो, रात को एक बाल्टी पानी डालो और आराम से वो बस हवा, वो बस ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। तो मैं रहता तो आराम से खरीद लेता, तो 250 रियाल का तो मिलता है नया। और यहाँ ये है कि वहाँ की तरह बंगाली की तरह ये नहीं है कि मेरा एसी चालू मत करो, मेरा कूलर चालू मत करो, ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आराम से मैं सुकून से अकेले रूम में रहता, अपना कूलर चालू करता और कुछ भी करता। बंगाली जितना रोता था ना कि मेरा एसी ख़राब हो जाएगा, उतने ही उसका ख़राब होता था। आप लोगों ने देखा था, एक साल में करीब 2-3 बार ख़राब हुआ इसका एसी। बाकी इधर कितने लोग बरसों से चला रहे हैं अपना एसी, फ्रिज, कूलर, मगर उतना ख़राब नहीं होता है। जो जितना डरता है ना, जो जितना कंजूसी करता है उसका उतना ही जाता है। वो जितना डरता था कि ये मत चलाओ, वो मत चलाओ, ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उतना ही ख़राब होता था उसका। तो मैं इधर आ गया अलबादिया में, ये होटल है, होटल में जाके 2 रियाल का सब्जी लेके गाड़ी में रख लेता हूँ, फिर मैडम के मायके में चलता हूँ, यहीं पे है पास में। तो अभी सब्जी निकाले नहीं थे, अब निकाल रहे। तो दोस्तों ये सब्जी ले लिया मैं 2 रियाल का, बाकी अभी कफील की वाइफ का फ़ोन आया था कि ये मैडम को उठा के लेके फिर रूम पे आओ, मतलब कफील के घर पे, बाकी वहाँ से मैं बैठ के जाऊँगी, बच्चों को लेके आऊंगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो आके खड़ा हो गया मैं इधर मैडम के मायके में और इसके अंदर रख लिया हूँ वो खाना, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चा बैठ के वो दम मचाएगा। देखो मैडम कब बाहर आती है, अब 11:37 तो हो गया। तो दोस्तों 12:34 हो रहा है, मैं कफिल की वाइफ को लाके छोड़ दिया कफिल के घर पे, बाकी वही अलबादिया से वो लिया था मैं, हॉस्पिटल वाली मैडम को बैठा के लेके इधर आया था, फिर यहाँ से कफिल की वाइफ बैठी थी, फिर मैडम को ले जाके हॉस्पिटल में छोड़ा, फिर हॉस्पिटल से गया मदरसे में, मदरसे से ले जाके वो बैंक वाली मैडम के बच्चे को बैंक वाली मैडम के घर पे छोड़ा नुगरा में, फिर वहाँ से
ये मैडम को ला के छोड़ा इधर का फिल के घर पे, अब मैं जा रहा हूँ। देखो अभी तो ये अजान हो गया है, पता नहीं कोई सुपरमार्केट खुला होगा कि नहीं खुला होगा, रोटी खरीदना है, रोटी नहीं लिया था मैं। और जब तक नमाज होगा कहीं उसका फोन ना आ जाए, तो जल्दी से देखते हैं कोई खुला होगा कोई सुपरमार्केट, तो वहाँ से रोटी ले जाके और रूम पे खाना खा लेता हूँ मैं। सब्जी तो ले ही लिया था, बाकी देखो हॉस्पिटल वाली मैडम का कब खलास होता है। तो चलो दोस्तों, शुक्र है ये सुपरमार्केट खुला है, यहीं से ले लेता हूँ मैं रोटी और फिर जल्दी से चलता हूँ मैं, खाना वगैरह खा के रेडी रहूँगा। तो ये रोटी ले लिया मैं और सब्जी मैंने यहाँ रखा था। चलो गर्मी है अभी, इतने गर्मी में कहाँ ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी से चलते हैं रूम पे। तो ये मैं आ गया रूम पे और ये खाना लेके बैठ गया। देखो अभी 12:47 हो रहा है, अब मैं जाता उधर अलवादिया की तरफ होटल में 10-15 मिनट और लग जाता, 1 बज जाता, तो इसीलिए वहाँ से ले लिया था, सही हुआ। ये सब मिक्स सब्जी है, आलू गोभी हर चीज़ है और ये रोटी है। चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करो। तो चलो मैं मिलता हूँ जब मैडम बुलाती है तब। तो दोस्तों 1:22 हो रहा है और हॉस्पिटल वाली मैडम का फ़ोन आ गया कि मेरा खलास हो गया है, आ जाओ लेने के लिए। तो चलो चलते हैं, जाके मैडम को ला के छोड़ देते हैं और देखेंगे क्या क्या ड्यूटी रहता है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं इधर हॉस्पिटल के पास में, चलो मैडम को ले जाके छोड़ते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है, वही अपने मायके में जाएगी कि ससुराल में। तो दोस्तों 2 बजने ही वाला है, 1 मिनट बाकी है। मैडम को ला कर छोड़ा मैं मायके में उनके, और मेरे जाने के बाद 20 मिनट बाद बाहर आई और 20 मिनट बैठा बैठा मैं भूल गया कि पूछने के लिए कि कहाँ जाएगी, मायके में जाएगी कि ससुराल में जाएगी। वो आई चुपचाप बैठ गई और मैं चुपचाप लेके जा रहा था कफील के घर पे, इसके ससुराल में। इन लोगों का ये आदत है कि ये लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, बताएंगे नहीं कि किधर जाना है, बैठे रहेंगे और मैं जाता रहूँगा, रास्ते में भी नहीं बोलेंगे कि किधर जा रहा है, इस रास्ते पे क्यों जा रहा है। वो तो मैं पास में पहुँचने वाला था तब बोल रही नहीं मैं तो इधर जाऊँगी अलबादिया में, तो फिर मैं वापस ले कर आया इधर। इन लोगों का यही है, ये लोग बैठ जाएंगे, मैं ले कर अलकसीम भी चला जाऊँगा ना, ये लोग रास्ते में एक बार भी नहीं बोलेंगे कि इधर क्यों जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद मैं बोलूँगा कि उधर, तब बोलेंगे क्यों, यहाँ तो मैं नहीं बोली थी। ऐसे करती है। तो ला के छोड़ दिया मैं, अब मैं जा रहा हूँ रूम पे। देखो 2 बज गया, 2:01, ये सीधे जाके मेरा रूम है। बाकी अब देखो मैडम बुलाएगी मदरसे के लिए, तब मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहा है, कफील की वाइफ तो नहीं बुलाई मदरसे में जाने के लिए, मगर कफील की छोटी वाली बेटी अभी फ़ोन करके बुलाई है, छोटी वाली मैडम। अब पता नहीं क्या काम है, चलो चल के देखते हैं, घर पर बुलाई है कफील के घर पर। तो दोस्तों पहुंच गया मैं इधर कफील के घर पे, देखो ये छोटी वाली मैडम का गाड़ी है यहाँ पे, देखते हैं क्या काम है, किस लिए बुलाई है। तो ये सामने कफील जा रहा है छोटी वाली मैडम का गाड़ी लेके, इंजन ऑयल चेंज करवाएगा, फिर ये गाड़ी को मुझे धुलवाना पड़ेगा, धुलवा के ला के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंजन ऑयल चेंज हुआ था दोनों गाड़ियों का, बाकी यहाँ पे ये क्लीन कर रहा है, 30 रियाल लिए हैं बस क्लीन करने का। क्लीन हो जाएगा तो ये गाड़ी पहुँचा के फिर अपना गाड़ी ले लूँगा। तो दोस्तों हो रहा है यहीं पे अपना गाड़ी क्लीन, ये पेट्रोल पंप के पास में, और वहाँ पे चेंज हुआ इंजन ऑयल,
तो वो मैं देख नहीं पाया कि कितना पैसा लिए वो लोग इंजन ऑयल चेंज करने का। मुझे तो 10 रुपया पकड़ा देता है, 10 रियाल, और तेल पकड़ा देता है, जा चेंज करवा ले। तेल लेके आया था, ऑयल लेके आया था, मगर चेंज करने का कितना लिए वो लोग पता नहीं। तो वहाँ से साफ हो गया, बस यहाँ पे कपड़ा मारा जा रहा है। तो चलो गाड़ी हो गया, अब इसको पहुँचा देते हैं कफिल के घर पे, बाकी अपना गाड़ी लेके चलते हैं। दोस्तों आ गया, मैं इधर पहुंच गया, गाड़ी यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया, अब चाबी दे देता हूँ, बाकी चलता हूँ मैं। तो चलो दोस्तों अब अपना गाड़ी लेके चलता हूँ मैं। ये दोनों गाड़ी का तो इंजन ऑयल चेंज हो गया है, 2-3 दिन बाद मैं भी अपना जाऊँगा, 4-5 हज़ार मेरा भी चल चुका है। बेल्ट बदलवाता रह गया मैं, देखो ये 4572 किलोमीटर चल चुका है, 5000 पे चेंज करवाना होता है, तो मैं भी 2-3 दिन में जाऊंगा। तो दोस्तों आ गया मैं रूम पे, बाकी ये आज लाया हूँ मैं नाश्ता करने के लिए, केक, 1 रियाल का है केक, तो इसी से नाश्ता कर लेता हूँ। अभी 6 बज रहा है शाम का, देखो धूप कितना तेज, ठंडियों में 6 बजे अंधेरा हो जाता था। चलो दोस्तों मैं नाश्ता कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों से मैं मिलता हूँ जब कोई ड्यूटी आएगा तो। तो दोस्तों आज मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ये मुर्गी का पोटा जो कि मैडम दिलवाई थी, मैडम बोली थी तो मैं ये उठाया था, तो आज यही बनाने जा रहा हूँ। देखो ये प्याज वगैरह मैं निकाल लिया हूँ और सब मैं काट पीट के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने रख दिया, एक तरफ चावल और एक तरफ अपना वो मुर्गी का पोटा, देखो पूरा मसाला वगैरह मिला के चढ़ा दिया हूँ मैं, अब ये गलेगा और ये भी चावल बनेगा। तो दोस्तों अभी बन के रेडी नहीं हुआ है अपना ये चिकन का पोटा, और कफिल की वाइफ का फ़ोन आ गया कि घर पे आओ, तो ये बन करके जा रहा हूँ मैं, फिर आके अपना चालू करेंगे, देखो क्या काम है, किस लिए बुला रही है। तो देखो दोस्तों 9:15 हो रहा है, मैं निकल चुका हूँ, चलो चल के देखते हैं क्या काम है इतने रात को। तो आ गया मैं इधर कफिल के घर पे, 9:20 हो रहा है, तो इधर आई है अलहसुन में और बोली है कि तुमको कुछ चाहिए तो आके अंदर से ले लो, चलो चलते हैं। तो अंदर आ गया मैं, मुर्गी ले लेता हूँ आज, बस मुर्गी ले लूँगा तो अगली बार वो बना लूँगा मुर्गी, आज पोटा बना रहा था वही मैडम का दिलवाया हुआ। पहले ये मार्केट के अंदर मटन भी मिलता था, मगर अब पता नहीं वो सिस्टम क्यों बंद कर दिए मटन का, नहीं तो मटन भी ले सकते थे। अब लेना हो तो या तो सब्जी लो या फिर मुर्गी लो। तो ये मुर्गी ले लिया हूँ मैं 800 ग्राम का, बाकी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैडम बस एक शहद ली है और ये काजू ली है और बैटरी, बस यही जो मैं मुर्गी उठा के लेके चला आया, तो इतनी खरीदारी करने आई थी उससे ज़्यादा मैं ही ले लिया। देखो दोस्तों ये जो दिख रहा है हरा पीला लाइट, वह है अलहसुन, वहीं पे हम लोग गए थे अभी, वहाँ से अब आई है यहाँ पे, ये मरवा में, बाकी ये उसका सामान है, वो मेरा मुर्गी, बाकी इसके अंदर पता नहीं क्या खरीदेगी, देखो। तो दोस्तों 10 बज गया, 1 मिनट बाकी है, वही मैडम को ला के छोड़ दिया मैं कफिल के घर पे, अब यही कि मैडम सिर्फ एक शहद का बोतल उठाई थी और वो काजू वाला नमकीन उठाई थी और एक कुछ था और,
ये तीन सामान ली थी और मैं उतना बड़ा मुर्गी उठा लिया। अब भाई बोली थी आके उठा लो, तब उसके अंदर क्या उठा सकते हैं हमारे लायक, एक वही है मुर्गी वगैरह। बाकी अब ये थोड़ी कि 2 रियल का पेप्सी, 2 रियल का कोई कोल्ड ड्रिंक उठा के लेके चले आए। मुझे थोड़ी मालूम था कि थोड़ा सही सामान खरीदने जाएगी। मैं गया मुर्गी उठा के लाके खड़ा था वहां पे, वो लेके आई तीन चीज। लेके गई थी वो पूरा ट्रॉली उतना बड़ा, मुझे लगा भर के लेके आएगी, मगर वही तीन चीज लेके आई। और फिर चलो मैं कटवा लिया, मुश्किल नहीं है। अब मान लो जो भी जितने दिन भी है यही सब खा पी के गुजारा करते हैं। चलो अभी मैं रूम पे चलता हूँ, रूम पे जाके फिर से वो गलाने की कोशिश करूँगा मैं, अभी गला नहीं है। तो आ गया मैं, चलो चूल्हा चालू कर देते हैं और जल्दी सा बनाते हैं अपना खाना। 10-12 हो गया, तो चालू कर दिया मैंने गैस। बाकी इसमें पानी डाल देता हूँ, पानी डाल के गलाएंगे। तो दोस्तों रात के 11 बज रहा है, लगभग 1 घंटा मैंने अभी चलाया है, दोबारा 1 घंटा पहले 2 घंटे लगा दिया गलने में। चलो हो गया, उठा के लेके चलता हूँ मैं, खाना खाने बैठते हैं। तो दोस्तों उठा के ला लिया, देखो ये है फोटा, बिल्कुल अच्छे से बन गया है। बाकी देखो ये पता नहीं दिमाग मेरा किधर था, एक ही टाइम का चावल बनाया मैं। दोपहर का बनाया नहीं हूँ, दोपहर में देखते हो आप लोग टाइम नहीं मिल पाता है, दोपहर में तो देखते हो खाना गर्म करके खाने में ही चला जाता है, तो खाना बना के खाने में कहाँ से टाइम मिलेगा। तो चलो निकालता हूँ मैं। तो दोस्तों अपना खाना निकाल लिया मैं, अब देखो दोपहर में चावल बनाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आप बिस्मिल्लाह करो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।